वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बेस्ट 120 एमसीक्यू सीरीज का लास्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर बिकॉज ऑप्शन ए इट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स या ऑप्शन बी इट्स एटॉमिक नंबर इज 4 या ऑप्शन सी इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4। इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है किसी और एटम के साथ, और शेयर करने के बाद इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए कार्बन का नेचर टेट्रावेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। इनमें से सेम होमोलोगस सीरीज को कौन सा मेंबर बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन ए CH4 या C2H4 या C3H6 या C4H8। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए CH4। CH4 बिलोंग करता है एल्केन को, जबकि बाकी के तीनों मेंबर्स सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, दैट इज एल्कीन को, और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 4 बॉन्ड्स। मीथेन का फॉर्मूला होता है यस CH3 नहीं CH4। सेंट्रल एटम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ईच हाइड्रोजन एटम भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से, और शेयर करने के बाद इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। सेम वे से यू विल फाइंड आउट हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनमें से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी होती है? हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम या नाइट्रोजन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम बिलोंग करता है यस नोबल गैस फैमिली को, और नोबल गैसेस की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और एटलीस्ट आपने 3 नोबल गैसेस के नाम याद रखने, दैट इज हीलियम, नियोन और आर्गन, और साथ में इन तीनों के आपने एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। इनमें से किस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब N2 की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-5। इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने ध्यान रखना है कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होते हैं, उसके लिए काउंट होता है वैलेंसी। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है इस तरह से। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं इस तरह से, और शेयर करने के बाद इनमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इस तरह से। नाउ यू विल फाइंड आउट हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-6। तो इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन जब की जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा इस तरह से। तो सेम वे से इस ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा इस तरह से। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे वैलेंस शेल में?
4 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम वे से इस ऑक्सीजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेस आर डैश इन नेचर, नोबल गैसेस का नेचर कैसा होता है? ऑप्शन ए मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट या स्टेबल। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी स्टेबल। नोबल गैसेस आर स्टेबल इन नेचर क्योंकि नोबल गैसेस की फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन सी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लोरीन एटम्स आफ्टर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, दो क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इनमें से किस नोबल गैस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करते हैं? नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन या जिनोन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी वैलेंसी होती है 1। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दो क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये एक्वायर करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन शेयर डैश इलेक्ट्रॉन्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, अमोनिया का फॉर्मूला होता है यस NH2 नहीं NH3। अमोनिया की जब फॉर्मेशन होती है तो नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है? 1, 2, 3 या 4। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन C 3 क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ और तीनों हाइड्रोजन एटम भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस तरह से वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर लिए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 1 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अमोनिया में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6, या ऑप्शन बी इट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? यस कार्बन का, और इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 6 और इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय नियोन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए नियोन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 1, 2, 3 या 0। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 0 क्योंकि नियोन की ऑलरेडी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। ये बिलोंग करता है नोबल गैस फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 4, 6 या 8। यस, इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर ऑल्सो शो कैटिनेशन एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, चूज द एलिमेंट, एक एलिमेंट जिसका नेचर टेट्रावेलेंट होता है साथ में कैटिनेशन भी शो करता है और डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इस एलिमेंट का आपने नाम बताना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कार्बन। कार्बन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन नेचर में टेट्रा वैलेंट होता है, साथ में कार्बन कैटिनेशन शो करता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, इसलिए कार्बन लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, और साथ में कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोवेलेंट इन नेचर, इनमें से किसका नेचर मोनोवेलेंट होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। इसलिए नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कैन बी यूज टू कट ग्लास। ग्लास कट करने में कार्बन के किस एलोट्रॉप का यूज किया जाता है? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन या नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन आर 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन ये तीनों कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। किसी भी एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसे कहते हैं वैलेंसी, कैटिनेशन, एलोट्रॉपी या ऑल द अबव। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज। मीथेन का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन डी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 4। इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद इनमें 4 कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। कार्बन एटम कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कोवलेंट बॉन्ड। और अब एस इज लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, चूज द ऑड वन। इनमें से ऑड वन चूज करना है, Cl2, H2, H2O या Br2। साथ में इसका आपने रीजन भी देना है। तो ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 की बेस्ट 120 MCQs का लास्ट पार्ट 6। पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 की वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। And all these MCQs are very important for your term 1 exam. Term 1 exam को भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के MCQs। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता 8 ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।